गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए व्लॉग में। तो आजकल चल रही है नवरात्रियाँ और गांव में भी यहाँ नवरात्रि की बहुत बढ़िया धूम हो रही है। यहाँ हमारे गांव में नवरात्रियाँ बहुत अच्छी होती है, तो बहुत मज़ा आता है। तो अभी अब मैं मंदिर में जा रही हूँ, मैं दिखाती हूँ कि मंदिर में क्या चल रहा है। और अभी थोड़ा लोग यहाँ दिया जलाने के लिए सुबह के टाइम पर मंदिर में आते हैं, तो चलिए मेरे साथ मंदिर में आप सब भी। तो अभी हम मंदिर में जा रहे हैं पूजा की सामग्री लेके। ये फूल हो गए और इसमें टीका, चंदन, अक्षत सब कुछ, और ये प्रसाद, और ये दूध भोग के लिए, और यहाँ पर दिया बत्ती के लिए तेल और बत्तियाँ। और दिव्यांशी भी चल रही है हमारे साथ। हेलो बोलो। जय श्री राधे। राधे राधे बोलो। पूजा की सामग्री लेके आए हैं और अभी दादाजी अब पूजा करवाएंगे। जय श्री देव पिंगलनाथ जी, भगवान की जय। राम मद्राय रामचंद्राय श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय फते नमः ब्रह्माणि कमले स्वामी बदनामाय श्री लीलिया कौमारी उदरनाशन करी चक्राय वैष्णवी बाराही गर गोल गर गर मुखी श्री राधा चामुंडा गण सजा रक्षन तो मात्र नवाम भोजने पात्र चतुर्वासामी परम चारु गात्र जगत राम दोस्तों अभी हम मंदिर में आए हैं, यहाँ पे पूजा चल रही है और पिंगली नाग जी को हमारे जो पूजा की सामग्री लेके आए थे वो अर्पित हो गई है। तो सुबह सुबह यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हो जाती है ना। हाँ, तो एक कुछ नियम होते हैं, ऐसा नहीं कि कभी भी चले जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यहाँ दादाजी 4 बजे उठ जाते हैं, फिर उसके बाद स्नान वगैरह करके फिर पूजा होती है। तो सुबह सारे लोग, सारे भक्त आते हैं, अपनी यहाँ पूजा करवाते हैं, तो बहुत बढ़िया नवरात्रि रहती है। हाँ, नियमित देवी का पाठ किया जाता है। और ये दिव्यांशी यहाँ पर। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं बर्थडे में, आज है दिव्यांशी का बर्थडे। ये वाली दिव्यांशी एक दूसरी है, वो रहते हैं यहाँ हमारे गांव में पलेत में। हमारे गांव में जगह जगह पर ना अगर घर है तो वहाँ पे एक नाम पड़ जाता है। ये थोड़ा हमारे घर से 10 मिनट दूर है, तो वहाँ पे नाम पड़ गया पलेत। तो अभी दीदी, यम्मू और दिव्यांशी हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। दोस्तों अभी हम पहुँच गए पलेत और यहाँ है आज बर्थडे पार्टी। गाइस ये है दिव्यांशी, आज इसका बर्थडे। हम प्यार से इसको दिशु कहते हैं। दिशु कितने साल की हो गई? 14। दिशु 14 साल की हो गई। माता की कृपा दिशु पर बनी रहे। दिशु बहुत होशियार और दिशु बहुत अच्छी है। ये अगर बताए कि इसकी एक खासियत है, ये अगर आपसे मिली है पूरे दिन आपके साथ, अगर 5 मिनट के गैप के बाद भी आपको मिल रही है ना, ये फिर भी पैर चूमती है ना। ये दिशु का एक टैलेंट है, ये 5 मिनट के बाद भी अगर गैप से मिल रही है पैर जरूर छुएगी। दिन में ये 10 बार पैर छू सकती है। ये बहुत अच्छी खासियत है। तो दिशु को हैप्पी बर्थडे। और ये गिरीशदास पहुंचे हैं काला शिला से बरसात में, अमरूद खाने के लिए पक्का। तभी वहां पर अमरूद थे, इतने अमरूद तोड़ रखे हैं बरसात से, सारे अमरूद काला शिला पहुंचा दिए। एक थाली पर रख दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो ऊपर पेड़ी पे है। हाँ, फ्री है काला शिला वालों के लिए। तो कल रक्षित को मैंने भजन के लिए बोला था, इसने कल नहीं गाया, लेकिन आज ये मुझे भजन सुनाने वाला है। सुनाओ। गाइस ये मन मन में भजन बोल रहे हैं। बस बस गाइस, बहुत ही अच्छा गाइस, आपको इसका भजन बहुत अच्छा लगा होगा। देखो इतना अच्छा गा रहा है, क्या बताऊं। ये देखो, पता नहीं आवाज कहाँ गई। ये दांत में क्या हुआ आपके? आपके दांत में क्या हुआ? आपके दांत में क्या हुआ पहले बताओ। टूटी फूटी खात खात सबरी देखे बात। कामाक्षी यहाँ पर खेल रही है। आज किसका बर्थडे है? हेलो बोलो, हेलो बोलो, राधे राधे बोलो, बोलो। इसको देखो ये कैसा कर रहा है, इसको गुदगुदी हो रही है। और मामी मामी करो करो करो, पहनो जल्दी से पहनो। इसको देखो ये देखो लाओ, मैं करूंगी, मैं पहनाऊंगी। इधर आओ, मेरे हाथ से नहीं होगी, मम्मी के हाथ से होती है, मेरे हाथ से नहीं होगी। लाओ। तो यहाँ पर हो रही है बर्थडे की तैयारी और केक भी आ गया है और मामी अभी उस पे कैंडल लगा रही है। देखो तो दिशु को आज 13 साल कंप्लीट हो गए और 14वां साल स्टार्ट हो गया है ना दिशु। हैप्पी बर्थडे
टू यू हैप्पी बर्थडे डियर देशु हैप्पी बर्थडे टू यू बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तुझे हजारों साल है मेरे आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। दिशु का मुंह कैसा बना दिया देखो। रक्षित बदला लिया जा रहा है दीदी से, रक्षित दीदी से बदला लिया जा रहा है। तो गाइस अभी दादाजी बर्थडे वाला एक इतना खतरनाक किस्सा सुना रहे हैं, बताइए क्या था। वो बता रहे कि वो हल्द्वानी एक बर्थडे में गए थे। पहले की बात है, बच्चा था मैं, हल्द्वानी गया था तो एक पुराना परिवार था, माँ बाप बच्चों वाला, मतलब संयुक्त परिवार। बच्चों ने ऐसे हैप्पी बर्थडे मनाया दीदी तरह से, तो बुढ़िया के पसंद कम आया उनका। उनने कहा बर्थडे के दिन ये बुझा रहे हो, इनको ये कर रहे हो, शो कर रहे हो। तो बच्चे ने कहा आजकल ऐसा ही चलता है, तो वो लोग गाने लगे उसके उस हैप्पी बर्थडे में, हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बुढ़िया बुढ़िया को बहुत ही गुस्सा आया डरा, तो बुढ़िया क्या गाने लगी, हाथी पादे पू पू हाथी पादे पू। तो पहली दिव्यांशी ये रही और दूसरी दिव्यांशी ये रही और मामी केक खिला रही है। मामी आज देखो गाइस कितनी सुंदर लग रही है, चार चांद लग गए आज तो है मामी। तो दोस्तों ये देखो अभी ये प्रसाद है, ये मामी ने सुबह सुबह आज बर्थडे में भगवान का व्रत है। यहाँ जो भी आई है कन्याकुमारी यहाँ बस हमारे सुमन का है, जितना खा सकती है। दीदी को इतना खिलाया जा रहा है, ये सब तेरे लिए बनाया, खाओ। गाय दीदी ने से रक्षित से एक पन्नी मंगाई थी, आप क्या लेके आए दिखाओ। तो इसमें दीदी पूजा रखेंगी, ये थैला होता है, इससे छोटा नहीं था, थोड़ा इससे छोटा। गाइस मैंने अपनी जान पे खेल के इसके लिए अमरूद तोड़ा है, देखो दिल्ली से आई है करके मैं इसको अमरूद खिला रही है, अमरूद खिला रही है। कुछ कहना चाहेंगे आप मेरे प्रेम के बारे में? बहुत, तुम ऐसे बहुत प्रेम करती हो। ये मेरी बहन, ये भी हल्द्वानी से आई, मैंने इसके लिए भी अमरूद तोड़ के दिया। तोड़ा समंदी ने, तोड़ा मेरे को, तो फिर भी मेरी दीदी तो है ना, ऐसा मत बोल मैंने तोड़े। आप तुमने नीचे से कौन सा छीन के खाया मुझे क्या पता। हम दोनों बहुत प्रेम है। दिव्यांशी मौसी ने अमरूद दिया ना आपको। गाइस बर्थडे पार्टी हो गई है और अभी हम आराम से जा रहे हैं घर को, मुफ्त का मैं। दिव्यांशी इनकी बेटी थी, इनकी बेटी का बर्थडे था आज। आपको भी बहुत बहुत बधाई आपकी बेटी के बर्थडे की, खा पी के आ गए, लास्ट में दे रही हूँ बधाई भी। देखो कैसे, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपकी बहन हुई वो। वही तो गाइज, मेरे ब्लॉग में जो भी आता है ना वो एक गाना गाता है। अब आज मामी भी आपको एक पहाड़ी गाना सुनाएंगी। फूजी रे कमरा मठु मठु ही टली जन करे फिकर जन सवर तेरी गाय हाथ रमेली ये ढोला की कमरा मठु ही टली जन करे फिकर व्रत है। और ये देखो बिल्कुल खाने में घर आए हैं, तो हमने सोचा इनको इतने अमरूद खिलाया जाए, है ना मामी। अमरूद का स्वाद भरपूर मात्रा में मामी को मिलता रहे। मामी बिजी है अभी, खाओ खाओ। तो अभी शाम को मंदिर में आरती का टाइम हो रहा है और ये चाची और ये एक चाची और आ गई। अभी हम यहाँ पे खाने के लिए बैठ गए और आज लक्षिता और दिशु आज बर्थडे है। हाँ तो आज दिशु यहाँ खाएगी, अभी हमारी प्लेट लगने ही वाली है। तो दोस्तों ये है हमारा आज का मंदिर का प्रसाद, चावल दाल और सब्जी, टेस्टी टेस्टी खाना। मंदिर का प्रसाद है तो पता है कि स्वाद तो होगा ही। ये है हमारा आज का प्रसाद और ये है दिव्यांशी की थाली और अभी सब लोग यहाँ पर खा रहे हैं। तो खाना हो गया है, मंदिर का प्रसाद और मम्मी लोग भी सब लोग यहाँ खा के बैठे हुए हैं और अभी दादाजी भी खा के भगवान को भोग लगा के, है ना, मजा आ रहा है ना बहुत ज्यादा। भगवान जी को भी लगा के अपना भी भोग लिया, प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है ना। हाँ
सबको आशीर्वाद दे दिया है। हाँ। सब मस्त रहे, चुस्त रहे, सब आइए, व्यस्त रहे, अभी भी मौका है, आइए, सब आशीर्वाद दीजिए भगवान जी का। हाँ। पिंगल नाग जी का आशीर्वाद दीजिए। हाँ। सबका कल्याण होगा, सबकी मनोकामनाएं पूरी होगी। हाँ। धन मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, बल मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, सब परिवार आनंदमय रहेगा, शांति मिलेगी घर में। इष्ट देव की कृपा सबके ऊपर बनी रहेगी। भगवान बस, जय श्री पिंगल नाग देवताए नमः। सोनू बुआ भी आ गई है नवरात्रि का प्रसाद खाने के। मेन तो पता है वो जो खाना होता है ना, सच में बहुत ही टेस्टी होता है ना, आपको बहुत टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। तो अभी बुआ भी इंतजार करते हैं हम इस खाने के लिए। अभी बुआ भी यहाँ दो दिन रहेंगी हमारे साथ, भजन गाएंगी, शाम को मिलेंगे हम भजन में। बाय बाय दोस्तों। अभी यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, सारे भक्तगण आ गए हैं और भजनों की धूम यहाँ चल रही है।
दोस्तों अभी यहाँ भक्ति